आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय के मामले में नई बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय अपने रिश्ते को अंजाम देने यानी कि तलाक तक अपनी ससुराल में ही रुकेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय को जानने वालों का कहना है कि वो एक जुनूनी लड़की हैं, जिन्हें हद तक जिद्दी भी कहा जा सकता है। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय लालू राबड़ी के आवास में ही रहकर तलाक का मुकदमा लड़ रही हैं। अभी उनका ससुराल छोड़ने का इरादा नहीं है, यही वजह है कि वो मायके लौटने के लिए तैयार नहीं है। कई बार उनके परिजनों ने उन्हें समझाने, मनाने और लौटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ऐश्वर्या राय अपनी जिद पर अड़ी हैं। वो ससुराल में ही टिकी हुई हैं। शुक्रवार को जरूरी काम और मायके वालों से मुलाकात के लिए वे राबड़ी आवास से निकली जरूर थी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो लौट कर वापस आ गईं। दरअसल हाल ही में शुक्रवार को ऐश्वर्या राय लालू राबड़ी आवास से रोते हुए बाहर निकली थी। इसके बाद उनके तलाक की खबरें चैनलों पर वायरल होने लगी। तेज प्रताप से विवाद के बाद वो कुछ दिनों के लिए मायके रहने गई थी, लेकिन तलाक की अर्जी की खबर फ्लैश होते ही वो तुरंत अपने ससुराल वापस आ गई। तब से वो वहीं रह रही हैं। ऐश्वर्या के मायके वाले भी इस संबंध पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। चंद्रिका राय ने पारिवारिक विवाद को ढकने की कोशिश की। बता दें कि ऐश्वर्या हमेशा से ही तेज प्रताप से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ पारिवारिक लोगों के कहने के चलते दोनों ने शादी की थी। न्यूज़ डेस्क।